गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 11th लेवल 3 वोकेशनल स्किल्स में यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ डाटा एंड कंप्यूटिंग में सेशन नंबर 3 है आपका बायोमेट्रिक डाटा। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक से क्या प्रकार हैं? बायोमेट्रिक आर बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टिंक्टिव फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो बायोमेट्रिक है वो आपका जो बिहेवियर और जो करेक्टरिस्टिक होते हैं, बिहेवियर करेक्टरिस्टिक होती हैं आपकी, जो लॉजिकल पे आधारित होता है, बिहेवियर करेक्टरिस्टिक और फिजियोलॉजिकल पर आपका बायोमेट्रिक्स आधारित होता है। फिंगरप्रिंट्स, फेस, इरिश, हैंड और रेटिना आर कंसीडर्ड फिजिकल। जो फिंगरप्रिंट होते हैं आपके फिंगर्स के द्वारा, जो फिंगर स्कैन किया जाता है आपको बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा, फेस स्कैन किया जाता है, इरिश को स्कैन किया जाता है, आपके पुतली को, हाथों को, रेटिना को स्कैन किया जाता है, उसको फिजिकल या फिजियोलॉजिकल बायोमेट्रिक्स, फिजियोलॉजिकल बायोमेट्रिक्स कहा जाता है। दे आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट मेजरमेंट फ्रॉम पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। वो जो ह्यूमन बॉडी के, जो इंसान के जो शरीर हैं, उसके जो भाग होते हैं, उसके मेजरमेंट पर आधारित होता है। फिजिकल बायोमेट्रिक डायरेक्टली मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बॉडी। इस तरह से फिजिकल जो बायोमेट्रिक्स होता है उससे हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं ह्यूमन बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स को। ऑन द अदर हैंड, वॉइस रिकॉग्निशन, गेट और सिग्नेचर आर कंसीडर्ड बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स। इसी तरह से जो फेस का रिकॉग्निशन होता है, सिग्नेचर का रिकॉग्निशन होता है, गेट का होता है, उसको हम बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स कहते हैं। एज दे आर बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स एंड डाटा ड्राइव फ्रॉम एन एक्शन एंड ह्यूमन बॉडी कंपोजिशन। एक तरह से वो मेजरमेंट, इसको रिकॉग्नाइज करके बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा वॉइस को, सिग्नेचर को हम पता लगा सकते हैं, उसके बॉडी एक्शंस को रिकॉग्नाइज करके बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा कैप्चर करके हम डाटा निकाल सकते हैं। वॉइस का, साइन का, वोकल का, आवाज़ कैसी है, आवाज़ का भी डाटा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक्स में फिजिकल, फिजियोलॉजिकल बायोमेट्रिक डाटा। लॉजिकल बायोमेट्रिक डाटा में क्या होता है? फिंगरप्रिंट। सबसे पहले फिंगरप्रिंट आता है। फिंगरप्रिंट आर यूज फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन, मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, किसी पर्टिकुलर जो विशेष व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए, विशेष व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए हम फिंगर का बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा फिंगरप्रिंट हम लेते हैं, उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं फिंगरप्रिंट के द्वारा। द हाई एक्यूरेसी ऑफ फिंगरप्रिंट्स हेल्प टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल इन बायोमेट्रिक एप्लीकेशन। इस तरह बायोमेट्रिक जो एप्लीकेशन जो कंप्यूटर सिस्टम में रन करती हैं, बायोमेट्रिक एप्लीकेशन के द्वारा बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग करके हम एक्यूरेट फिंगरप्रिंट हम ले सकते हैं, बिल्कुल सही फिंगरप्रिंट हम ले सकते हैं। हैंड ज्योमेट्री, द ह्यूमन हैंड इंक्लूड बोन, मस्कल्स और ज्वाइंट्स। जो हैंड होता है, हैंड जो शेप होती है, उसके अंदर जो बोन्स होते हैं, मस्कल्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, मेकअप टू मेकअप फोर आवर फाइव फिंगर्स, मतलब फाइव फिंगर्स आपकी बनती हैं। पाम होती हैं, उसमें रिस्ट होती है आपकी। द एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन हैंड शेप डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री ऑफ हैंड, लेंथ एंड विड्थ ऑफ फिंगर्स एंड द स्पैन ऑफ द हैंड इन डिफरेंट डायमेंशंस। अलग अलग डायमेंशंस के द्वारा, अलग अलग डायमेंशंस में जो फिंगरप्रिंट, हैंड का जो फिंगर, हैंड का जो हम फिंगरप्रिंट लेते हैं, हैंड को जो हम बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा स्कैन करते हैं अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग वे में, तो उस तरह से हम डाटा कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर पर्सन का डाटा हम कलेक्ट करके रख सकते हैं, जो पर्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाई करता है, बताता है। पाम द कंप्लीट लेफ्ट हैंड फिंगर प्रिंट एक्सेप्ट द थंब कैन बी कैप्चर्ड साइमल्टेनियसली एंड इट इज कॉल्ड ए पाम बायोमेट्रिक डाटा। मतलब फोर फिंगर्स का डाटा जो लिया जाता है थंब को छोड़ के, तो उसको पाम बायोमेट्रिक डाटा कहा जाता है। इन द सेम वे ऑल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड एक्सेप्ट द थंब, थंब को छोड़कर राइट हैंड का भी अगर लिया जाता है तो उसको हम पाम बायोमेट्रिक डाटा कहा जाता है, राइट और लेफ्ट हैंड दोनों का। नेक्स्ट है आपका फेस। फेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल पर्सन है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। हर पर्सन का जो फेस की जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो अलग होती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। द साइज एंड शेप ऑफ एवरी इंडिविजुअल फेस इज डिफरेंट। साइज भी हर पर्सन का, फेस का जो साइज होता है वो हर पर्सन का अलग होता है। आल्सो द शेप ऑफ नोज, नोज जो शेप है वो भी अलग होती है।
और आइस के बीच में जो तो डिस्टेंस होता है वो भी अलग होता है, इससे हम बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा उसको स्कैन करके हम रख सकते हैं, डाटा को रख सकते हैं। रेटिना, टिपिकल इमेज ऑफ एन आई शोन एज ए ह्यूमन आई कैन बी यूज फॉर पर्पज ऑफ रिकॉग्निशन। ह्यूमन आई का भी स्कैन करके हम पर्टिकुलर पर्सन का डाटा हम स्कैन करके रख सकते हैं, और हर आई का, हर पर्सन के आई का अलग अलग फीचर होता है, उसका रेटिना अलग होता है, हर पर्सन का रेटिना अलग होता है, इरिस, आंख की पुतली का, ब्लड वेसल पैटर्न, जो ब्लड वेसल पैटर्न होते हैं आईज के अंदर वो भी अलग होते हैं। इरिश, इरिश इज एक्चुअली इज इंटरनल पार्ट ऑफ आई, जो इरिश होती है आंख की पुतली, उस जो इंटरनल पार्ट होते हैं आई के, वो भी हर पर्सन के अलग अलग होते हैं। उसमें लाइट का जो फ्लो है हर पर्सन का अलग होता है आई में, तो वो भी यूनिक होता है। कोरोना, क्रैब्स, मेंट्स, फ्लैकल्स, फूरोज, स्टीनेशंस एंड रिंग्स, अलग तरह से हम अलग अलग पर्सन को अलग तरह से वेरीफाई कर सकते हैं उनको स्कैन करके। टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक्स में बिहेवियरल बायोमेट्रिक डाटा, बिहेवियरल बायोमेट्रिक डाटा में क्या होता है, सिग्नेचर, द शेप एंड राइटिंग स्टाइल ऑफ सिग्नेचर ऑफ एवरी इंडिविजुअल पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। हर पर्सन के साइन करने का तरीका अलग होता है, उनकी शेप अलग होती है, स्टाइल अलग होता है, जिससे हम हर पर्सन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो उसको स्कैन करके रख लेते हैं, तो वो भी हाँ पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं सिग्नेचर भी बायोमेट्रिक के अंदर। देयरफॉर सिग्नेचर कैन बी आल्सो यूज फॉर पर्पज ऑथेंटिकेशन, मतलब ऑथेंटिकेशन के तौर पर प्रयोग किया जाता है कि जो जिस जो भी साइन किसी पर्सन के द्वारा किए जाते हैं उसी पर्सन के साइन है, कोई अदर जो पर्सन है उसको यूज़ नहीं कर सकता, सेम साइन नहीं कर पाएगा उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करने के लिए। वॉइस, वॉइस ऑफ एवरी इंडिविजुअल पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द वेरियस पैरामीटर एसोसिएटेड विद द वॉइस। ऐसे वॉइस, हर पर्सन की वॉइस अलग होती है, वॉइस का जो पिच होता है हर पर्सन का अलग होता है, पर नीचे हर पर्सन के वॉइस का जो पिच होता है, टोन होता है, कैडेंस होता है, फ्रिक्वेंसी होती है, हर पर्सन की अलग होती है, उससे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेज ऑफ वॉकिंग, हर पर्सन का चलने का तरीका अलग होता है, बैठने का तरीका अलग होता है। एवरी इवन दो एवरी पर्सन हैज टू लेग्स, वॉकिंग पैटर्न एवरी इंडिविजुअली डिफरेंट फ्रॉम अदर। चलने का हर पर्सन का तरीका अलग होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बाय रिकॉर्डिंग दिस वॉकिंग पैटर्न, हम वॉकिंग पैटर्न को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, यू कैन इजली रिकॉग्नाइज पर्सन। इस तरह हर पर्सन को हम चलते, मतलब दूर से अगर किसी पर्सन को चलता देख के भी हम पहचान देते हैं वो कौन सा कौन पर्सन है, तो इस तरह से हम ये पर्टिकुलर डिवाइसेस के द्वारा, बायोमेट्रिक डिवाइसेस के द्वारा डाटा, वॉकिंग का डाटा हम कैप्चर करके और रिकॉग्नाइज करके हम रख सकते हैं, उसको गेंट रिकॉग्निशन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वालिटीज ऑफ बायोमेट्रिक डाटा, बायोमेट्रिक डाटा की क्या क्या क्वालिटी है। क्वालिटीज ऑफ बायोमेट्रिक डाटा रेफर टू क्लियर और एरर फ्री डाटा, इस तरह हम इस तरह का साफ डाटा हम कैप्चर कर सकते हैं, एरर फ्री, जिसमें कोई गलती नहीं होगी, बिल्कुल एक्यूरेट डाटा हम, बायोमेट्रिक डाटा हम कैप्चर कर सकते हैं बायोमेट्रिक डिवाइसेस के द्वारा। ब्रॉडली ए सैम्पल शुड बी ए गुड क्वालिटी इफ इट इज ए टू बी सुटेबल फॉर ऑटोमेटिक मैचिंग, और सैंपल भी हर पर्सन का रख सकते हैं। उसके बाद जब उस पर्सन का जो जिस जिस चीज़ का हमने बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा जिस चीज़ को हमने स्कैन किया होगा, जिस बॉडी पार्ट को स्कैन किया होगा, उसको हम पहले सैंपल के तौर पे रख लेंगे, उसके बाद जब उसको यूज़ किया जाएगा बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा, उसको मैच करके हम पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑब्जर्वर सीज ए फिंगरप्रिंट विद क्लियर रिजिस, लो नॉइज एंड गुड कॉन्ट्रास्ट, मे बी माइट रिजनेबली से इट इज गुड क्वालिटी। क्वालिटी मेजरमेंट प्लेस वाइटल रोल इन इंप्रूविंग बायोमेट्रिक सिस्टम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। अच्छे तरह से अगर हम उसका कैप्चर करके रखेंगे तो इसे जो भी डाटा उसका रहेगा तो वो क्वालिटी वाला डाटा होगा, बिल्कुल सही डाटा, एक्यूरेट होगा। नेगलेक्टिंग क्वालिटी मेजरमेंट वेल एडवर्सली इम्पैक्ट एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी बायोमेट्रिक सिस्टम। अगर आप सही ढंग से हमने उसको स्कैन करके नहीं रखा है फिर डाटा को, तो आगे मैच करने में दिक्कत आती है, कि नेक्स्ट बाद में करेंगे।